राधे राधे फ्रेंड्स, सुरेश मिश्रा व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ, भिंडी की सब्जी एक नए ट्विस्ट के साथ, जिसका रिव्यू आप पहले देखिए। बहुत ही लाजवाब भिंडी, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ दही वाली भिंडी, और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, एकदम राजशाही टेस्ट। इतने बढ़िया रिव्यू के बाद आपका मन तो ज़रूर करेगा ना बनाने का। रेसिपी हमारी यहाँ है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले ली है भिंडी। इसको अच्छे से धो के हमने पोंछ लिया है, साथ ही लिए हैं कुछ हरी मिर्ची, प्याज, अदरक। जो अब हमारी भिंडी है इसको हमने बढ़िया तरीके से सुखा लिया है, और जो इसका आगे का और जो पीछे साइड का हिस्सा है हम उसको अच्छे से काट लेंगे, और उसके बाद हम भिंडी को भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। आप अपने टेस्ट अनुसार या चॉइस अनुसार इसको कट कर सकते हैं। अगर आप लंबा शेप में काटना चाहें तो लंबा, और छोटा काटना चाहें तो छोटी शेप कर सकते हैं, राउंड, डायगनल, जिस भी तरीके से। हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से चॉप किया है भिंडी को, ये देखिए, ये हो गई है हमारी सारी भिंडी एक साथ चॉप। साथ ही साथ हम कर लेंगे प्याज को भी चॉप, बढ़िया तरीके से छील कर। और प्याज को हमने बहुत ही महीन चॉप किया है यहाँ पर। प्याज के बाद हमने लिए हैं हरी मिर्ची, इनको भी हम छोटे छोटे पीसेस में सीजर से चॉप कर लेंगे या नाइफ से, जैसे भी आप चॉप करना चाहते हो। और उसके बाद अदरक को भी हमने छील के चॉप कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे सौंफ, जीरा और अजवाइन, इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर होना चाहिए। भूनने के बाद हम इसको अच्छे से कूट कर एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही साथ हमने मसालदानी ले लिए बेसिक मसालों के साथ। जो हमने भिंडी काटी थी उसमें हमने डाल दिए हैं हल्दी, हल्दी पाउडर। अब एक कढ़ाई में ले लेंगे तेल, तेल को गरम करके जो हमने हल्दी पाउडर मिक्स किया था वही भिंडी जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसका कलर आना चाहिए, हल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी बिल्कुल भिंडी के अंदर। और फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा दही, डालेंगे थोड़ी सी खटाई, हल्दी, मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और सूखा धनिया, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें मतलब लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम सेम कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे, तेल को कर लेंगे गरम, और उसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करें ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। हरी मिर्ची भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। हमने यहाँ थोड़ी ज़्यादा काट ली थी तो हमने बचा ली है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। और जो फ्राई करी हुई भिंडी है इसको भी हम डाल लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। और जो दही का हमने अभी मिक्सचर पेस्ट बनाया है उसको भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे एंड में हमने यहाँ पे डाला है अदरक को, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो रहे। और जो मसाला हमने अभी प्रिपेयर किया था, भून कर कूटा था, वो मसाला, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से चलाएं भिंडी, ताकि ये बिल्कुल भी जो है हलवे की जैसे फॉर्म में ना हो, मिक्स ना हो जाए और खिली खिली रहे। इसको पकाने के लिए रख देंगे, और ये हो गई है हमारी लजीज भिंडी तैयार। अब ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये देखिए हमने लिया है एक और रिव्यू टेस्ट। टेस्ट आएगा भिंडी का, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, दाल चावल के साथ में इस भिंडी को आप इंजॉय कर सकते हैं, और ये भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट है।